दोस्तों स्टडी वीज़ा का मौसम आने वाला है ऐसा कंसल्टेंसी लॉयर सोच रहे हैं कि जब ये कोरोना वायरस खुलेगा तो स्टडी वीज़ा की बाहर आ जाएगी लोग अप्लाई करेंगे और कनाडा में आना शुरू करेंगे और अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू करेंगे जो उनका प्लान है स्टडी वीज़ा के बारे में जब बात चलती है तो बहुतों को वीज़ा मिलता है लेकिन जिनको वीज़ा नहीं मिलता वो सोचते हैं आप क्या करें कैसे करें दोबारा अप्लाई करते हैं सो so, अगर वीजा नहीं मिलता तो वो फेडरल कोर्ट जाते हैं वकीलों को पैसे देते हैं और वकील उनके लिए फिर कोर्ट से जे करता है जिसको जुडिशल रिव्यू कहते हैं तो एक जे का केस मैं आपको दिखा रहा हूं सामने फेडरल कोर्ट की इन बनी है और आप डेट देख रहे हो डॉकेट नंबर भी है साइटेशन नंबर भी है इसको देखकर कॉपी करके आप गूगल पे डाल के आप इसको कोर्ट केस को पूरा तफसील से पढ़ सकते हो आप इस वक्त हम जो बात करेंगे आप भी देखेंगे कि जो उसके जो मेन जो बारीकियां हैं जिस चीज को लेकर पढ़ के हम कुछ सीख सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे तो नीचे चलते हैं शहीर मुसादिक और मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन और नीचे चलते हैं नेचर ऑफ मैटर नंबर वन ये छोटी छोटी जो नवो बने है, ये हैं ये पैराग्राफ के मैं ऐसे नंबर वन आपको बोलूंगा तो डैट तो मीन के इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं इन दिस केस दैलेंजिंग द रीजनेबलनेस

और थर्ड सबमिट्स डैट वीज़ा ऑफिसर नीचे वाला क्या है ओवर लुक एविडेंस ऑफ एप्लीकेंस एस्टेबलिशमेंट पाकिस्तान डेट मीनस के वो जो बोलते हैं ना कि आपके कंट्रीज के टाइज क्या है फैमिली इन पाकिस्तान कितने साल रहे हैं स्किल्स ट्रेनिंग पाकिस्तान और बार बार आएंगे आप पाकिस्तान में उसके बारे में उन्होंने uh, उस, उसके बारे में एक सही कंसिड्रेशन नहीं करा रीजन दैट आई फॉलो आई द एंड ऑफ दूर करीब करीब चौदह पेज है इसमें आप देखेंगे जज ने, मतलब ने इसको इन फैक्टर्स को जो उन्होंने दलील दी है उनको कंसिडर नहीं किया और वो फैक्टर्स क्या है अवम थोड़े थोड़े करके देखेंगे मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाना ही चाहता क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी बातें उसमें ना कुछ डेटा ओवरफ्लो कर जाता है कि भाई ये भी है वो भी है तो हम जो मेन जो एक पॉइंट्स हैं, जिसको लेकर जज ने इसको मना किया है उस पर हम जम्प करते हैं डायरेक्टली ठीक है थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां से नंबर तीन से पहले उसपे कर लें Applicant had 31 year old citizen of Pakistan. First entered Canada on study visa in 2008 with the goal of obtaining a degree in petroleum system engineering from the University of Regina. He did not seem to have much direction and subsequently changed programs twice. The program changed here. First, he changed his academic direction to Liberals Arts Certificate. Okay. And second time, he switched to Computerized Office Professional Program at InTouch Career College, which looks like a private college. So, लगता है कि उसके जो बोनाफाइज यहीं पर शेकी हो रहे हैं क्योंकि इसने दो बार प्रोग्राम चेंज किया और और एक सीरियस प्रोग्राम को लेकर अब ये छोटे छोटे लिबरल आर्ट्स और कंप्यूटराइज ऑफिस प्रोफेशनल प्रोग्राम को चेंज किया अब देखना कि आगे आप देखेंगे कि वीजा ऑफिसर ने इस चीज को ही देखकर एक इशू बना लिया कि इसने ये सीरियस स्टूडेंट है भी कि नहीं है एनी नंबर चार पे आते हैं जुलाई 2014 में क्या हुआ pending, है स्टडी परमिट एक्सपायर्ड रिन्यूअल एप्लीकेशन वाज पेंडिंग ठीक है The applicant only received the notice of denial of his renewal application in early January 2015. At which time he sought the assistance of his local MP, acha with the view of having the denial reversed, he was unsuccessful. MP के पास इतनी power नहीं होती कि application को वो कहें कि जिसका जो refusal है, इसको approve कर दो. MP की कुछ power होती है, लेकिन ये power नहीं होती. आप पता नहीं उन्होंने MP को क्या सोच के approach किया, लेकिन MP ये नहीं करा सकता. कुछ cases में

his application for study permit in 2015 pandra was refused, as was his application in 2016. number 2017, january 2019. number he was accepted into arts transition program at the university of regina. the applicant claims that this program would allow him to transfer his qualifications, and he hopes to eventually re-enter the petroleum systems. इंजीनियरिंग प्रोग्राम हाउर थोड़ा सा अब यहाँ पर शेखी ने पता लग रहा है कि पहले मेन कोर्स कर नहीं पाए उसके बाद छोटे कोर्सेज में आ गए फिर दोबारा रीन्यू नहीं हुआ और हम पाकिस्तान वापस चले गए फिर तीन साल वहां पर रहे जनवरी दो हजार उन्नीस में फिर वो सपना आ रहा है ख्वाब आ रहा है कि दोबारा जाए कैनेडा जाए और वो प्रोग्राम कर लें पेट्रोलियम वाला और uh, लेकिन उसमें शायद एडमिशन नहीं मिला होगा तो उन्होंने आर्ट्स ट्रांजिशन प्रोग्राम which is a lower junior uh, introductory program. it's important. anyway, number six. number seven. the applicant yet again uh, applied yet again for the study permit to come to canada. in the application, the applicant explained that though he spent much some time studying in canada between 2008 art and 2015, pandra, his life and family are still in pakistan.

number 8 in the end the visa officer was not satisfied that the applicant would leave canada at the end of the study period in making this determination the visa officer focused on applicants limited ties to uh, highlight this. Yeah. the applicants limited ties to pakistan his personal asset financial status and a perceived vagueness about his reasons to pursue the desired program, which I earlier a small program. Let's see what happens next. This matter raises one issue, is the visa officer's decision reasonable? Now the judge has to do an X-ray and there are pages, but I won't read that Quickly, I will go to something that I want you to know and share जिससे कि आपको अपने केस के लिए भी फायदा हो जाए वीजा ऑफिसर के नोट्स दिए हुए हैं। हम पॉइंट नंबर ट्वेल्व पे आग, यहां से आपको पढ़ के सुनाते हैं जो वीजा ऑफिसर ने लिखा है कि उसकी एप्लीकेंट की हिस्ट्री क्या है कैनेडा में सो so, अब इसको धीरे धीरे पढ़ना पढ़ेंगे हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे आ, राइट हियर ठीक है यहां से पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे The applicant first uh, entered Canada in 2010 to pursue a petroleum program. He indicates that he changed programs to an arts program then to computerized office professional program. He indicates this is because he was not sure what direction he wanted to take in education. He was not getting the results he had anticipated. Subsequent to this, the applicant indicates that he planned to return to university level studies in 2014.

He simply indicates that he was rushing, which is quite unbelievable. He indicates that the refusal letter was sent to the wrong address, and so he did not get it until 2015, Pandra, January 2nd, even though it was sent in December 14. As a result, he had missed the restoration period. He provides evidence. He provides evidence that he wrote a letter requesting more time to apply for restoration. However, the letter is undated. He indicates that he sought help from MP but he indicates that she did not contact the ircc till uh, acha till um, uh, uh, october of Pandra. he does not indicate why or why he did not press her to intervene sooner he indicates that the decision from ircc was received uh, in in august 28th again he does not specify by why he waited so long for a decision he does indicate However, that he left Canada as soon as he was told that restoration would not be possible in combination with the number of different programs he has taken over the years and the key details he omitted uh, from his account of his refusal to departure in in two thousand and fifteen. <laughs> बॉक्स नंबर 23 पे आगे वहीं से वीजा ऑफिसर के नोट्स कंटिन्यू हो रहे हैं बीच में हमने वो जो एक, एक जो जज का जो ऑब्जर्वेशन था वो मैंने पढ़ा नहीं आ, क्योंकि मैं आपको वीजा ऑफिसर की ओपिनियन बताना चाहता नंबर uh, 23 फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड द आर्ट्स ट्रांसफर प्रोग्राम अपियर्स टू बी प्रोबेशनरी प्रोग्राम फॉर अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बड़े प्रोग्राम से छोटे प्रोग्राम की It's not a good approach uh, for the immigration. It does not explicitly state he will be allowed to take his desired program afterwards. He indicates that he would like to return to petroleum because once returning to Pakistan, he believes it will help him find a good job. He regrets not completing his degree. He does not explain what facts or observation led to his conclusion. He is a stated reason for pursuing the education is Canada Canada's good education. Alright, so Abhisne Kodiwo Yapir, visa officer, underline Kia. Overall, the applicant's explanation for why he would like to study the program is generally vague. Yes, In combination with the number of different programs he has taken over the years and the key details he omitted from his account of his refusal to departure, I give little weight to his study plan.

को uh, जज ने पढ़ा है ये सारे नोट हम पढ़ रहे हैं और जज ने भी ही वीजा ऑफिसर के साथ एग्री किया है तो मैं जज के अभी कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ लेकिन मोरलेस उसने भी एग्री किया और मैं आपको कहीं ना कहीं आपको बता देता हूं एक्चुअली यहाँ पर लिखा है कुछ ना कुछ कि मैं बता हूँ जहां उसने बोला है कि आई एग्री um, ये देखिए नंबर सिक्सटीन पे आई डू नॉट एग्री विद द एप्लीकेंट ये जज का वो है ये कमेंट है और पहले तीन पॉइंट्स पे एक, एक, एक करके उसने कहा है कि आई डू नॉट एग्री विद एप्लीकेंट अब जाते हैं कहीं और मैंने आपको ले जाना है जहां पर एक हाईलाइट किया है ये देखिए यहां पर 28 3 द वीजा ऑफिसर ये ये जो एक एप्लीकेंट ने कहा था कि मैंने तो अपना एस्टैब्लिशमेंट दिखाया पाकिस्तान में लेकिन लेकिन वीजा ऑफिसर नहीं माना अब देखिए उस, उसने जज का क्या इसमें कमेंट है इसके the applicant number 29 applicant submits that the visa officer simply wrote off the applicants established Pakistan without any meaningful analysis the applicant argues that he provided several indications of establishment Pakistan that he's lived for 23 years substantial assets his large family his repeated returns to Pakistan citing a series of cases the applicant submits that the visa officer failure to provide reason support of his lack of finding is a reviewable error mm -hmm. Our, uh, हाँ, ये ये उसको आगे जो uh, जज ने मेंशन किया कि वीजा ऑफिसर ने क्या 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 क्या, क्या मेंशन किया है कि इसकी टाइज हैं कि नहीं है नंबर थर्टी ये है मतलब की चीज अब यहां से यहां से पढ़ना शुरू करते हैं कर दे एम्प्लॉयड फॉर सिक्स मंथस बिफोर ही विच कम्प्लीटेड आई एल टी एस सिंस रिटर्न टू पाकिस्तान ऑफ वर्क एज ए जी एम ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉल टेक्नोलॉजी ट्वेट सर्विस इज isn't क्लियर फ्रॉम दिस applicant submission Why he has been unemployed or why he no longer works in the country? medical नौकरी छूट गई या पता नहीं Overall, the applicant's declared professional history and evidence for it does not constitute a significant tie to the home country. कोई In addition, given the nature of applicant's professional history, I'm not satisfied. They have significant employment prospects to compel the return. अभी भी नौकरी

client's country of residence are sufficient to compel the return. Visa officer is absolutely clear that these ties be box number thirty-two line I must admit that I do not follow the applicant's argument and do not agree with this characterization of visa officer's finding. There is nothing inconsistent in the visa officer's suggesting That means that visa officer has analysis. Or judge bi usse Mutmay nahi hai ki ab jo karein wo jo wo Sorry. So uh, they they are siding with the visa officer in this case. Ab maa isko kafi or bi isme thoda detail hai. Isko jaane ke Let's jump to the conclusion. Jo conclusion unhone diya hai niche. Thirty nine. Under the circumstances, I see no reason to intervene in visa officer assessment of the matter and decision. Accordingly, I dismiss the application for judicial review. दैट मीनस खेल खत्म दथिंग नथिंग आई कैन जो सो वीजा ऑप्शन दिया है वो सही है उसको मेनटेन करें मैं करता हूँ जो जज ने कहा है और नीचे डैसे और ये लास्ट में भी एक दिया हुआ जज का नाम दिया हुआ है और रिव्यू किया है और उसको डिसमिस कर दिया है अभी नीचे नाम पूरा दिया हुआ है डॉकेट नंबर दिया हुआ है टोरटो डेट ऑफ हियरिंग जनवरी सोलह को हुई है ये और नीचे जो जिन्होंने अपियरेंस की है जो लॉफिस उनके सबके भी नाम दिए अल्टीमेटली आप इस चीज से क्या सीखा आपने के पहली बात तो आप कनाडा गए कनाडा में आप पढ़ाई नहीं कर पाए सीरियसली जो पढ़ाई करनी थी आपको जो बिग जो आपका हैवी वेट प्रोग्राम था उसको नहीं कर पाए फिर छोटे मोटे कोर्स लेके आप अपने आप आपको आपने एक ट्रांजिशन कर लिया जो स्टडी परमिट की, आपने बड़ी बड़ी एक कहानियां डाली होंगी तो वो आप वो नहीं कर पाए उसके बाद रेस्टोरेशन को आप रेस्टोर नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है कि आपको सही टाइम पे वो मिला नहीं मिला आपने क्यों नहीं किया उसके बारे में कुछ नहीं पता हम हमें कि क्यों नहीं कर पाए जब आप वापस आ गए तो पाकिस्तान में भी आपके पास कोई जॉब नहीं था आपने तीन साल वेट किया फिर छोटे मोटे जॉब करते रहे जब आपने दोबारा अप्लाई किया तब तो आपके पास जॉब भी नहीं थी ये आपने साबित कर दिया कि आपने काफ़ी लंबे टाइम से आपने चार इयर्स प्लस आप कनाडा में रह के आपने शो कर दिया कि आपके टाइस पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि आपने पहले जिनके आप अभी आप पहले अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे पास फैमिली है हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जॉब वगैरह के ये कोई एविडेंस नहीं शो करता कि उनका इस नई एप्लीकेशन से कोई है क्योंकि प्रॉपर्टी है या थी उससे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप कनाडा में फिर भी रह सकते हैं Uh, आपके पास कोई जॉब प्रोस्पेक्ट uh, अभी भी नहीं है और इन फ्यूचर आपको जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन अभी भी लिया है उससे आपको पेट्रोलियम में एडमिशन कैसे मिलेगा कब मिलेगा ये पता नहीं और मिलेगा भी तो उससे आपको पाकिस्तान में नौकरी कैसे मिलेगी इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है और इसलिए वो जो भी सारा हिस्ट्री देखकर आपको वीजा ऑफिसर्स का एनालिसिस है कि भाई साहब आपको स्टडी परमिट नहीं मिलना चाहिए और सो दैट मीन्सर को डिसाइड इज अगेंस्ट अगेंस्ट योर एप्लीकेशन होता क्या है कि जितने भी ये जुडिशियल रिव्यू के केसेस है मैं पहले भी इसके बारे में कुछ वीडियोस बना चुका हूं कि इसका जो रेट ऑफ अप्रूवल है बहुत ही कम है मैं नहीं समझता कि मोर देन समझताइव टू टेन परसेंट होगा डेट मीन्स के दस एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन शायद पास हो जाए इमिग्रेशन रिलेटेड जी की बात कर रहा हूँ और जो मिसरेप्रजेंटेशन वाले हैं वो तो और भी इससे कम है तो वकील चार्ज करते हैं इसमें पांच हजार दस हजार कई कई तो बीस बीस हजार डॉलर भी चार्ज करते हैं उससे कोई फायदा निकलता है वेरी लो चांसेस अगर आप पहले ही अगर आप जो जो अगर अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री अगर हमने सही रखी होती और पहले ही अगर आपने गलतियां को अवॉइड कर चुके होते तो ये नौबत नहीं आती और अब ये खेल खत्म हो चुका है तो अब जनाब का मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसा कोई स्कोप बनेगा कि दोबारा स्टडी परमिट मिलेगा या विस्टर वीजा या कुछ और कोई वीजा मिलेगा सो तो ये कैनेडा का खेल खत्म हो चुका है इन फ्यूचर वो क्या कर सकते हैं कि वहीं पाकिस्तान में पढ़ाई करके जो भी बैचलर्स मास्टर्स करके एक्सपीरियंस लेके इन फ्यूचर अगर एक्सप्रेस एंट्री उनको करना चाहे तो वो कर सकते हैं बाकी स्टडी परमिट का कोई और अभी सीन दिखाई नहीं पड़ रहा तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस और uh, सामने उसका नाम केस का नाम डॉकेट नंबर साइटेशन नंबर डेट नंबर सब कुछ दिया हुआ है गूगल में टाइप करें कॉपी पेस्ट करके और आप सारी uh, केस को प्रिंट करके आराम से चौदह पेज पढ़ सकते हैं थैंक यू वेरी मच टेक केयर